आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सनेस ब्रोकर में नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको अकाउंट क्रिएट करने के साथ में केवाईसी करने का भी पूरा प्रोसेस बताएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना होगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सनेस ब्रोकर में नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन दिया है, तो आपको सिंपल सा नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना। सबसे पहला काम करना है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको अपने कंट्री का नाम, यानी कि आप जिस भी कंट्री से यहाँ सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल आईडी डाल दे और यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद में नीचे जो है आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से पूरा इस पेज को कट कर देना है और आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है एक्सनेस। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से ऐप आएगा, एक्सनेस गो ट्रेडिंग ऐप। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे नीचे जो है एक रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, एक साइन इन का, तो यहाँ पे आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ईमेल आईडी में जिस भी ईमेल से आपने अभी अकाउंट को क्रिएट किया था उस ईमेल आईडी को डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो है एक पासकोड आपसे सेट करने के लिए बोलेगा, तो पासकोड में छांग का कोई भी कोड आप अपने मर्जी से सेट कर सकते हैं जो कि आपको याद रहे। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और री एंटर में दोबारा से मैं उसे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। लॉगिन होने के बाद में जो ऐप का इंटरफेस है आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए बोलेगा, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए कहेगा। ठीक, अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है और प्रोफाइल के ऊपर जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद में एक दो बार ऐसे जो है रिफ्रेश कर दीजिएगा पेज को, जिसके बाद में कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखा है सेंड मी ए कोड, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक छंग का कोड जाएगा, उस कोड को यहाँ पे डाल के नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद में यहाँ पे अब ये मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है जो भी इस अकाउंट में रजिस्टर करना चाहते हो और उसके बाद में नीचे जो है आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर छंग की ओटीपी जाएगी, उसे डालोगे, नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं दिया है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी जन्म तिथि जो है डेट मंथ ईयर में आपको सेलेक्ट कर लेना है। योर रीजन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी रीजन है, जो भी स्टेट है, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है योर रेसिडेंटल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट में है, चाहे आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड का, या फिर कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं जो केवाईसी के लिए, वही यानी कि एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपका विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, गली जो भी हो, आपको यहाँ पे पूरा जो है डाल देना है। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है यहाँ पे जो है सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, आपने किस पर्पज से जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट दिया है, हेडिंग दिया है, स्पेकुलेशन दिया है, तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी मर्जी कहे वो चूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक, जिसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट योर सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ, तो आपके जो सोर्स और इनकम है क्या है, कहाँ से आपको इनकम आती है। तो जैसे आपके पास सेविंग है या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट बिजनेस है या फिर रेंट आता है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सेविंग, उसके बाद नीचे जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक, इतना करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ये आ गया कि व्हाट इज योर एक्यूपेशन इंडस्ट्री, यानी कि आप करते क्या हैं। तो यहाँ पे आपको अपना एक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर का काम, खेती का काम करते हैं, अकाउंटेंसी का काम करते हैं, या फिर एजुकेशन का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, या फिर जो है एचआर हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से अगर कोई ऑप्शन है चूज कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अदर के ऊपर क्लिक करके आपको अपना एक्यूपेशन डाल देना है और नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फिलहाल हम एजुकेशन को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट योर टोटल वेल्थ इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट बैलेंस, तो यहाँ पे आपका टोटल वेल्थ कितना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं less than $5,000। ठीक, तो यहाँ पे आपको
सेलेक्ट कर लेना है कोई भी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद ये पूछा है व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप जो है एम्प्लॉय अगर हैं तो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं या फिर पार्ट टाइम हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो जो भी हैं यहाँ पे रिटायर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, अनएम्प्लॉयड है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम स्टूडेंट चूज कर लेते हैं तो आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, आप स्टूडेंट आप भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद दिया है व्हाट इज योर ईयरली इनकम आफ्टर टैक्सेस, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को $0 से लेके $5,000 सेलेक्ट करते हैं, तो कम से कम ही यहाँ सेलेक्ट करते हैं, आपकी मर्जी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर सीएफडी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विथ ए रियल मनी ट्रेडिंग अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर आपको ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हैव नॉट ट्रेडेड के ऊपर सिंपल सा आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इतना काम करने के बाद में पूछ रहा है How long would you need to master trading skills? तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिया गया है, तो हम इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, आप भी कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंटीसिपेटेड मंथली इनकम यू आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट विथ एक्सनेस, यानी कि जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका जो है कितना परसेंट आप एक्सनेस में जो है इन्वेस्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अप टू 25% ऑफ माई मंथली इनकम, तो आप कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट आर योर प्लान्स ऑन ट्रेडिंग विद इन 1 ईयर, तो यहां पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बीकम ए फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर, इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आप भी इसे ही सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि व्हाट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट डू यू प्लान टू यूज, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप जो है यूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेटल्स का ऑप्शन है, फॉरेक्स का ऑप्शन है, क्रिप्टो का ऑप्शन है, स्टॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करेंगे फॉरेक्स वाला सेलेक्ट करेंगे, तो आप भी फॉरेक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डू यू नो अबाउट एक्सचेंज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम आपको एक्सचेंज के बारे में कैसे पता चला, तो यहां पे जैसे देख सकते हैं टीवी का ऑप्शन कि आपको टीवी से जानकारी मिली, अगर यूट्यूब से मिली है तो यूट्यूब का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक से अगर जानकारी मिले तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहां पे हम यूट्यूब वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, बस इतना ही काम करना था। उसके बाद अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करना है उसके बारे में यहां पे आपको बता देंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको अपना नाम यहां पे चेक कर लेना, जहां पे लिखा है चेक योर नेम तो अपना नाम चेक कर लेना, यहां पे आपको अपनी स्पेलिंग मैच कर लेना है जो आप यहां पे डॉक्यूमेंट लगाने वाले, मान लीजिए आधार कार्ड से आप वेरिफिकेशन करने वाले हो तो यहां पे आपको जो है आधार से नाम मैच कर लेना है। अगर कोई गड़बड़ी है तो बगल में देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है सही कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे पूछ रहा है यानी कह रहा है आई एम सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ आई लिव इन, तो यहां पे अगर आप जो है यूएस से हैं तो आप यूएस रेसिडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सिंपल सा नॉन यूएस रेसिडेंट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। जैसे आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, जैसे कि आप अपना पासपोर्ट से कर सकते हैं, पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे अगर पासपोर्ट से करना चाहते हैं तो, ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हैं, आधार कार्ड से कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड से कर सकते हैं, और पैन कार्ड से भी कर सकते हैं, इतने डॉक्यूमेंट से आप जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, सबसे सिंपल है कि आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करिए, क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो आपको फोटो अपलोड करना है बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह की फोटो रहेगी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ब्लर वगैरह नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा फोटो होना चाहिए, ठीक। अब अपलोड करने के लिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज अपलोड कर देना, ठीक। तो जैसे आप अपने कैमरे को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा ओपन हो गया, और यहां से इस तरह से जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट की फोटो यहां से पिक कर लेना। सेम इसी प्रकार से आपको बैक वाला भी अपलोड करना है, तो यहां पे देख सकते हैं अपलोड दी बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें और कैमरे को चालू करें, उसके बाद में यहां पे देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप केवाईसी करिएगा, तो यहां पे देख सकते हैं मैं बैक का भी फोटो ले लिया, और लेने के बाद में ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी बैक की भी फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद सिंपल सा सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें,
डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई है वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में हो जाता है, और कभी कभी इसके लिए आधे घंटे का वेट करना पड़ता है। अगर इनकेस पेंडिंग हुआ तो 24 घंटे में हर हाल में आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है जो सर्च का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सिंपल सा MT5, ठीक, MT5 लिखेंगे और सर्च कराएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेटा ट्रेडर 5 फोरेक्स करके आएगा। तो आपको इसे इंस्टॉल करना, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ओपन डेमो अकाउंट के सामने क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करके इसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे सिंपल था फाइंड एक्सचेंज ब्रोकर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है एक्सनेस, ठीक। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एक्सनेस, और एक्सनेस जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड सबसे नीचे वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद में ये पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, यहाँ पे सर्वर नेम सेलेक्ट करके लॉगिन कर लेना। लेकिन अब बात आती है कि इसकी लॉगिन आईडी और जो इसका पासवर्ड है कहाँ पे मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने यानी कि एक्सनेस ऐप में चले जाना है। तो मैं यहाँ पे एक्सनेस ऐप में आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में जब आप अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि आपको नीचे डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इधर साइड में देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नीचे जो है आपकी लॉगिन आईडी और यहाँ पे सर्वर नेम दिया गया है। बाकी जो पासवर्ड है, पासवर्ड जिस ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप जो है यानी कि एक्सनेस ऐप में लॉगिन करते हैं सेम उसी पासवर्ड से जो है आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इस लॉगिन आईडी को कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में या फिर आप नोट करके भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पासवर्ड में आपको पासवर्ड यहाँ पे अपना डाल देना है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे तीसरा जो चीज़ है वो सर्वर है। तो सर्वर अभी यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट है एक्सनेस MT5 रियल, लेकिन आपको सर्वर भी चेक कर लेना है कि आपका सर्वर कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने सर्वर के ऊपर गया तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया है MT5 रियल 18 करके सर्वर है, तो हमें इसी सर्वर को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम वहाँ यहाँ से वापस चलते हैं और यहाँ पे हम MT5 रियल 18 को सेलेक्ट करते हैं, एक्सनेस MT5 रियल 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप लॉगिन करते हैं जिसके बाद में अगर आपके अकाउंट में फंड होगा तो भी शो कर देगा, आप यहाँ पे जो है लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारे अकाउंट में $100 है तो यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जो है देख सकते हैं चार्ट का ऑप्शन है, तो चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चार्ट आ जाएगा, जहां से कि आप जो है चार्ट का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में इधर साइड में आपकी जो करेंसी पेयर्स हैं देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस भी करेंसी पेयर्स में जो है आप ट्रेडिंग करना चाहते हो यहां से जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहां पे जो देख सकते हैं ट्रेड का ऑप्शन दिया गया है जहां से कि आपको ट्रेडिंग करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पे ऊपर देख सकते हैं प्लस का आइकन दिया है, तो यहां से आप सेल बाय की लिमिट भी लगा सकते हो। यहां पे देख सकते हैं सेल बाय की लिमिट लगा सकते हो। बाकी मार्केट की करंट प्राइस पे सेल बाय करने के लिए आप चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा पेज। अब इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल का ऑप्शन दिया है, बाय का ऑप्शन दिया है, जहां से कि आप सेल बाय करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाकी इससे संबंधित अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।